रेवंत रेड्डी के घर से हमको अरेस्ट करके यहाँ लाए थे, अननेसेसरी जो अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट करके यहाँ लाए थे। फिर आने के बाद सीआई का बिहेवियर हमके हमारे तरफ बहुत वेरी बैडली वेरी रूडली था, जिसको हम कंडेम करते हुए जितने भी हमारे ब्रदर्स से कार्यकर्ता है नायक लीडर्स से पूरे मिलके इस बात पे सीरियसली लेके यहाँ पे धरना दिए थे। क्योंकि एक महिला को ही पीएस में ऐसा दूषण करे तो दूसरे महिलाओं को पीएस आने से भी डरते हैं, वो नहीं रहना बोल के हर एक को एक कॉन्फिडेंस आना बोल के। क्योंकि जिस तरह उन्हें बात करा कि लेडीज़ को ऐसा ज़रूरत है क्या जैसा उन्हें बात करें, हम यही बोलना चाह रही हूँ कि जितने लोगों का बिहेवियर ऐसा है वो लोग नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। आज ACP साहब CM बंदोबस्त रहने के तरफ से उन्होंने फ़ोन पे बात करे, इस पूरे इशू पे उन्होंने सॉरी बोले और ऐसा नहीं हुआ होगा बोल के उन्होंने हमको भरोसा दिए और इस पर इंक्वायरी करते बोले। हमको एक ही इशू था कि हर एक महिला को एक कॉन्फिडेंस आना, कुछ भी हो तो अपन प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट का रिजल्ट आता है और अपने को ज़रूर जस्टिस होता बोल के बात करे थे। और हम हमारे प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब से भी फ़ोन पे बात करें, उन्होंने भी बोले ये मैटर को बहुत सीरियसली लेंगे और इसको आगे लेके जाके किसी महिला पे भी ऐसा पीएस में इंसिडेंट होना बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ जैसा कांग्रेस के तरफ से पूरा प्रिकॉशंस और एक्शन होगा बोल के बोले थे। वही भरोसा से हम यहाँ से निकले और मैं थैंक्स देना चाहती हूँ जो हर एक कार्यकर्ता लीडर्स और पूरे महिला जितने भी मेरे साथ सुबह से बैठे हुए यहाँ पे हमको सपोर्ट करें, वो लोगों को पूरों को दिल से शुक्रिया करती हूँ। और ये विक्ट्री महिला लोगों का है विक्ट्री, जो ऐसा जुलुम नहीं सहेंगे। थैंक यू। ఎందుకంటే ఒక మహిళ నాయకురాలికి పిఎస్లో భద్రత లేదు, మర్యాద లేదు, వాళ్ళు అక్రమాలు అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా ప్రాపర్ బిహేవియర్ కూడా లేకుండా ఏదైతే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని చెప్పుకుంటున్నారో మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం చాలా శోచనీయము, దీనికి నిరసనగా మేమందరం కూడా కలిసి ఈ బంజారాల్స్ పిఎస్లో ధర్నా చేశాము। నాకు పొద్దున్న నుంచి సహకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా నాయకులకందరూ కూడా పేరు పేరుగా మేము వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాము। ఈరోజు ఈ ధర్నా చేయడం వల్ల జరిగింది ఏంటంటే మహిళలు ఎక్కడ కూడా అన్యాయం జరిగితే ఊరుకోరు అనే ఒక మంచి సందేశం మహిళ లోకానికి వెళ్ళింది। ఎందుకంటే ఈరోజు నాకు జరిగిన పరిస్థితి వేరే మామూలు మహిళకు జరుగుంటే ఏమి చేయాలనే విజయారెడ్డికేట్ అయినప్పుడు మనమేంది అన్న బాధ భయం వాళ్ళలో ఉండకుండా తను ఎదుర్కొన్నట్టు మనం కూడా ఎదుర్కొందాం। మనకి అండగా ఇంతమంది సోదరులు కాంగ్రెస్ సోదరులు ఉన్నారనే నమ్మకం భరోసా వాళ్ళకి ఇప్పగలిగాము। ఈరోజు ఏసీపీ గారు మాకు సీఎం బందోబస్తులో ఉండడం తోటి ఫోన్లో మాట్లాడి తగు చర్యలు తీసుకుంటానని, జరిగిన సంఘట బాధాకరం ఇంకోసారి కాకుండా చూస్తానని ఆయన చెప్పడంతో ఆయన ఇచ్చిన హామీతో ఇక్కడ మహిళలకు సురక్షిత పెంచాలని మేము కోరుతూ ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళొకసారి కాకుండా చూసుకోవాలని, జరిగిన సంఘట మీద పూర్తి విచారణ చేయాలని మేము ఆయనకి చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీతోటి మేము ఇక్కడికి వెళ్తున్నాము। పొద్దున్న నుంచి ఎంతోమంది మహిళలు కార్యకర్తలు నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మాతో పాటు ఈ ధర్నాలో పాల్గొని మాకు ఎంతో ధైర్యం ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఆజ్ హమ్ హమారే పిసిసి ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి సాబ్సే మిల్నే కే లియే ఉన్కే ఘర్ కని గయే తే వహీ రోడ్ పే హీ హమారే లోగోం కో రోక్నే కే కోషిష్ కరే, మే ఔర్ మేరే సాథ్ తీ దో తీన్ మహిళా ఉన్కే గేట్ కని గయే తో ఉదర్ సే హమ్కో अनकॉन्स्टिट्यूशनली विदाउट टेलिंग एनी रीज़न अरेस्ट करें। हम पूछे भी, हम हमारे लीडर को मिलने आए हैं यहाँ कुछ धरना करने के लिए नहीं है, नहीं तो किसी गवर्नमेंट इस पे नहीं आए, फिर भी आप हमको अरेस्ट करने के रीज़न बताए बोले तो भी बिना सुने दो तीन महिला कॉन्स्टेबल्स थे पूरे जेंट्स में हमको पुश करके गाड़ी में बिठा के यहाँ भेजे, एक घंटा इधर उधर फिरा के बंजारहिल्स PS को लाए। बंजारहिल्स PS यहाँ आने के बाद हमको यहाँ छोड़ के वो गाड़ी चली गई तो हम कहाँ बैठना बोल के सोच रहे थे, एक आके अंदर बैठो बोले थे तो अंदर जाते CI का रूम था उधर अंदर हम बैठ गए। वहाँ पे हमारे ऑलरेडी थोड़े लीडर्स थे उनके साथ हम बैठे हुए थे, CI साहब भी आए सबसे मिले, उन्होंने वही बोले शाम तक आप लोग यहाँ बैठना यहाँ रहिए बोल के उन्होंने चले गए। चले जाने के बाद हमारे साथ जितने भी लीडर्स थे वो जाके ACP से मिल के ये तरीका नहीं होता क्यों अरेस्ट करें पूछने के लिए वो लोग उधर गए। उन्होंने जाते ही जितने हम लेडीज़ थे वही बैठे हुए थे, उन्होंने CI साहब आके लेडीज़ से ऐसा बात कर रहे थे वेरी बैडली ही वॉज बिहेविंग।
हमको आके यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकलो बोल के बोल दिए। हम बाहर आने के बाद शायद छोड़ दे रहे बोल के बाहर आए तो नहीं, फिर अंदर बैठो बोले तो अंदर जाके वही बैठे तो उन्होंने बहुत रूडली हमसे बात करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स यूज़ करते, हमको निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम नहीं निकले तो भी हम बोले हमको लाए क्यों, बिठाए क्यों, और आप ऐसा बात करने का तरीका नहीं होता बोले तो भी उन्होंने किसी का नहीं सुन रहे थे। वैसे ही वही लफ्स में उन्होंने हम पे अटैक करे जैसा बात कर रहे थे, जो हमको बहुत हर्टिंग हुआ उनका बिहेवियर देखे तो। महिलाओं को क्या रीज़न है ऐसा बाहर आने के लड़ने का बोल के उनको दिमाग में है शायद, लेकिन हम बोलना चाह रहे महिला जो घर को संभालती है वो सोसाइटी को भी संभाल सकते हैं, उनको हर एक हक है जो अपना तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के जितना भी लिमिट्स में उसमें आके धरना करने की। लेकिन ये अननेसेसरली हमको हर्ट करे जैसे बात हो उन्होंने जो करे, ये पूरे जितने भी महिला लीडर्स हैं उनका उनके उनको हर्ट करते हुए जो स्टेटमेंट्स दिए हम उसको वेरी स्ट्रांगली कंडम करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि उन्होंने आके इसके ऊपर उनका रीज़न बोलो और हमको क्षमा सॉरी बोलना है। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो ख्यालत रखते हैं वो सीए के सीट में नहीं रहना, जो महिलाओं को बहुत नीचे के तरीके से देखते हैं वो लोग ऐसे सीटों पे रहना ही नहीं है। अगर हम जैसे औरतों से ऐसा बात करें तो कल मामूली औरत जो आके उनको तकलीफ बताने के लिए पीएस में आते हैं उनसे कैसा जुल्म हो रहा, कैसा वो लोग बिहेव करते हैं, हमको बहुत वो सोच है।